शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का सिलसिला रोकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मुन्ना भाई जैसे लोगों का भांडाफोड़ किया जाता है, चाहे वो परीक्षा के दौरान हो या फिर फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी पाना। ऐसे मामलों से निपटना भी अपने आप में एक चुनौती बन गया है। ऐसा ही एक मामला यूपी के हरदोई जिले से सामने आया है, जहां फर्जी अभिलेखों से नौकरी पाने वाली तीन मुन्ना भाई शिक्षकों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आते ही जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से तीनों शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय दखिलौल विकास खंड भरावन में तैनात सहायक अध्यापक मुन्नी रानी, बिलग्राम विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय सांपखेड़ा में अंकिता और सांडी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय चिल्लौर में तैनात धर्मेंद्र कुमार ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की थी। मुन्नी रानी ने सन 1999, अंकिता ने 2021 और धर्मेंद्र ने 2015 में विभाग में नौकरी पाई थी। सत्यापन के दौरान मुन्नी रानी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला, जबकि अंकिता दूसरी महिला के नाम पर नौकरी कर रही थी, तो वहीं धर्मेंद्र कुमार का TET का अंक पत्र फर्जी पाया गया। तीन शिक्षकों के विरुद्ध अभिलेखों के सत्यापन के दौरान इनके अभिलेख कूटरचित पाए जाने के कारण इनकी बर्खास्तगी तथा इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये तीन शिक्षक हैं मुन्नी रानी, अंकिता वर्मा एवं धर्मेंद्र कुमार। मुन्नी रानी जो कि विकास क्षेत्र भरावन में कार्यरत थी, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। श्रीमती अंकिता वर्मा ये दूसरे महिला के अभिलेखों के आधार पर कार्यरत थी। इनके मानव संपदा ID दूसरे की लगी हुई थी, जांचोपरांत इनकी ये गलती पकड़ी गई है। इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार का TET का मार्कशीट फर्जी पाया गया। इसके आधार पर जनपदीय जाँच समिति के समक्ष रखते हुए इनका निर्णय लिया गया कि इनको बर्खास्त करते हुए इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल करने के बाद ये सभी विभाग से फर्जी तरीके से वेतन उठा रहे थे। सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की। इसके अलावा BSA ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि इन सभी फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद वेतन रिकवरी की भी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से मैं भारत के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट।